Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है. यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं. 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/3 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून चॉप हरा धनिया. अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे. ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है. हमारी फिलिंग रेडी है. अब हम रोल बनाने स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं. उन्हें अच्छे तरीके से पानी में डिप करके निचोड़ लेंगे. अब उनके अंदर हम अपनी फिलिंग भरेंगे. ये देखिए, अच्छे से बाइंड करना है. बाइंड करने के बाद हम इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे. इसी तरीके से हमें अपने सारे रोल तैयार करने हैं. हमारे रोल्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं. अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे. अब इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे. गाइस, हम इन्हें जितने ज्यादा फ्राई करेंगे ये उतने ज्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी होंगे. देखिए, रोल्स हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं. रोल्स हमारे रेडी हैं. अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे. ये देखिए, कितने ज्यादा क्रंची लग रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाज़रीन का किचन. सी यू विद अनदर अमेजिंग रेसिपी. बाय बाय.